दासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही, तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार,